समुद्र में शख्स को तैरते हुए मिली 7 करोड़ की ड्रग्स और फिर जो हुआ चौंका देगा। अमेरिका के एक शख्स को फ्लोरिडा के समंदर में करीब 7.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले। अगर शख्स चाहता तो इस माल को चुपके से बेचकर करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने एक भी पैकेट नहीं खोला और सीधे पुलिस को दे दिया। अमेरिका के एक शख्स ने ईमानदारी दिखाई और 7 करोड़ की मिली ड्रग्स के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी इस शख्स की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर ये चाहता तो बेच सकता था, माला माल हो सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यह शख्स फ्लोरिडा के समंदर में किनारे एंजॉय करने गया, तभी उसे पानी में एक साथ कई पैकेट तैरते नजर आए। उसने उन पैकेट को इकट्ठा किया और समंदर किनारे ले आया। उसने देखा कि पैकेट अच्छे से सील हैं। उसने तुरंत फ्लोरिडा पुलिस को कॉल किया और इन पैकेट उनके हवाले कर दिए। समुंदर में लावारिस फेंके गए इन पैकेट्स को जब पुलिस ने खोला तो होश उड़ गए। दरअसल इन पैकेट्स के अंदर 30 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 7.5 करोड़ रुपए है। पुलिस को शख्स की ईमानदारी पर हैरानी हुई, क्योंकि वो इसे चाहता तो चुपके से बेचकर करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने एक पैकेट भी खोला नहीं और सीधे पुलिस को बुला दिया। एक घटना ऐसी पहले भी फ्लोरिडा में देखने को मिली थी, जब एक समुद्र की लहरों में करीब 11 करोड़ की कोकीन मिली थी। इसे भी सील बंद कर समंदर में फेंका गया था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करोड़ों के ड्रग्स फेंक कौन रहा है। अगर फेंका जा रहा है तो इनका बिजनेस कितना बड़ा होगा। हालांकि इस मामले की जांच चल रही है। दोस्तों क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।